हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपकी शादी कब होगी। ये रीडिंग जनरल है और टाइमलेस है। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास तीन ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप वन, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो चलिए सबसे पहले ओरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी। आपको बाकी फ्यूचर स्पाउस रिलेटेड वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जो ओरेकल्स आपके लिए निकले ग्रुप वन, वो है ट्रैफिक कोन जो कह रहा है कॉशन, फिर है बिटवीन वर्ल्ड्स, हो सकता है आपको रिपीटिंग थ्री बहुत दिख रहा हो आजकल, उसके बाद है सिक्योरिटी, और फिर है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। न्यू मून इन लीब्रा, हो सकता है आपकी चार्ट में कहीं लीब्रा आता हो ग्रुप वन। ओके, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है जिसके बारे में स्पिरिट आपको सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बहुत ऑब्वियस है। यहाँ पर एक न्यू रोमांटिक साइकिल का जिक्र इधर हो रहा है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एक चीज़ पीछे छोड़कर एक नई चीज़ की ओर आगे बढ़ने के लिए। मतलब साफ है ग्रुप वन, आप में से वो लोग जो अभी भी अपने पास्ट में अटके हुए हैं, आप में से वो लोग जो अभी भी अपने किसी एक्स से या कोई फेल्ड सिचुएशनशिप आपकी थी, अगर आप उससे मूव ऑन अब तक नहीं कर पाए हैं, तो आप बेसिकली अपने रास्ते में खुद एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी शादी में डिले आ रहा हो। क्योंकि क्वेश्चन मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप लोग आजकल बहुत हैरान परेशान से घूम रहे हैं कि यार क्यों नहीं शादी हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है, क्या दिक्कत आ रही है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, रिश्ता ऑलमोस्ट फिक्स होते होते चीज़ें बिल्कुल साइलेंट हो जाती हैं दूसरे एंड पर। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो एनर्जेटिक फील्ड है उसमें कोई और एंट्री ले ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आपके पास्ट वाले पर्सन ने वहाँ पर अभी तक डेरा जमाया हुआ है, और उनको बाहर निकालने का काम जाहिर सी बात है ग्रुप वन आपको ही करना पड़ेगा। अब अगर आप बिटवीन वर्ल्ड्स वाले कार्ड को ध्यान से देखें तो जो पास्ट है वो इतना ग्रे सा है, तूफान आ रखा है। मीनवाइल इस तरफ जब वो फ्लेमिंगो चल के आ रहे तो सब कुछ बहुत शांत है, बहुत कलरफुल है। इस कार्ड से स्पिरिट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने फ्यूचर से डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को अपना पास्ट छोड़ने में इसीलिए भी दिक्कत आती हो क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन बन गया है। उस पुराने इंसान के बारे में बैठ के सोचते रहना, उनका इंतज़ार करते रहना आपके लिए कंफर्ट जोन बन गया है, और किसी नए व्यक्ति से मिलना, उनको नए सिरे से जानने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ों में आपको घबराहट होने लगती है। इस रीज़न की वजह से भी आप अपने पास्ट में ही फंसे रहते हैं। बट बिटवीन वर्ल्ड्स के साथ स्पिरिट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस फ्यूचर से आप डर रहे हैं, जिस चीज़ से आप कतरा रहे हैं, वो चीज़ उतनी ख़राब नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। जो हसीन ज़िंदगी आप जीना चाह रहे हैं, जो कलरफुल लाइफ आप लीड करना चाह रहे हैं, वो आपके फ्यूचर में है, वो आपका पास्ट आपको नहीं दे सकता है। आपका जो यहाँ पर क्लोजिंग ओरेकल है वो भी कह रहा है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, किसी नए सिरे से किसी नए इंसान के साथ आपका रोमांस चालू होने का वक्त आ गया है, जो कि आपका फ्यूचर स्पाउस होगा। लेकिन फ्यूचर स्पाउस के साथ ये रोमांटिक साइकिल कैसे चालू होगी जब आप खुद ही हो गए ही नहीं वहाँ पर वो साइकिल स्टार्ट करने के लिए? पता चला फ्यूचर स्पाउस तो आके खड़ा हुआ है, कब से आपका वेट कर रहा है, आप ही नहीं आ पा रहे हो पुराने वाले पर्सन को छोड़ के। तो इस बात का ख्याल आपको रखना है। एक और चीज़ जो स्पिरिट आपको यहाँ पर अश्योरेंस दे रहे हैं सिक्योरिटी कार्ड के साथ, स्पेशली क्योंकि मुझे ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर कि आप में से बहुत सारे लोग जिस पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन आपको करने को बोला जा रहा है, वो रिलेशनशिप इन एनी केस उतनी कोई खास थी नहीं। हो सकता है कि उस रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव आए हो, बहुत कुछ आपने झेला हो, सुना हो, सहा हो, और इट्स क्वाइट पॉसिबल कॉशन के साथ कि आपके दिमाग में थोड़ा सा डर बैठ गया हो कि व्हाट इफ अगर मैंने किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दी तो दोबारा से वही चीज़ मेरे साथ हो। इस बात की क्या गारंटी है कि फिर कोई लड़का या फिर कोई लड़की मुझे परेशान नहीं करेंगे उस तरीके से? तो उस मामले में भी यहाँ पर इसीलिए सिक्योरिटी निकल के आया है न्यू रोमांटिक साइकिल के साथ, कि जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, जिनके एंड द फैक्ट कि ये लीब्रा का रिप्रेजेंटेशन है, स्केल्स यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस्ड है। ये जो भी आपका पास्ट का कनेक्शन था जिससे आपको लेट गो करने को बोला जा रहा है, क्रश था, सिचुएशनशिप थी, जो भी था,
वहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, वहाँ रेसिप्रोसिटी थी ही नहीं, सब कुछ आप ही करते रहते थे, सामने वाला पर्सन कुछ भी नहीं कर रहा था। बट जो आपका फ्यूचर स्पाउस है उनके साथ आपको बैलेंस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, उनके साथ आपको इक्वल रिस्पेक्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। वो रिलेशनशिप में उतना ही एफर्ट डालेंगे जितना कि आप डालते हो, जितनी कि आपकी उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं। बट इस अच्छी रिलेशनशिप तक पहुंचने के लिए, इस अच्छे ब्राइट एंड ब्यूटीफुल एंड कलरफुल वर्ल्ड को एंटर करने के लिए, जो पास्ट का डार्क डल वर्ल्ड है उसको लीव करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको पीछे छोड़ना आपके लिए ज़रूरी है। ग्रुप वन, ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं और लास्ट में पता करेंगे कि पोटेंशियली कौन से वो महीने हो सकते हैं जिनमें आपकी शादी हो। तो जो टैरो कार्ड्स आपके लिए निकले ग्रुप वन वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स और टेन ऑफ वॉन्ड्स। अब ये इतना क्लियर कट डिस्टिंक्शन यहाँ पे है दोनों किंग्स की एनर्जी में, जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है वो कठोर स्वभाव का हो सकता है, कड़वे शब्द इस्तेमाल करने वाला हो सकता है, लेकिन जो किंग ऑफ कप्स है वो बहुत सौम्य है, बहुत रोमांटिक है, बहुत काइंड है, केयरिंग है, सेंसिटिव है। ये पीछे है, ये आगे है, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका पास्ट है, और क्योंकि इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो है द वर्ल्ड एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। ओह, आई जस्ट रियलाइज्ड, यहाँ पे भी बिटवीन वर्ल्ड्स है, यहाँ पे भी वर्ल्ड है। वर्ल्ड बात करता है साइकिल्स के बंद और चालू होने की, एक पुराना चैप्टर बंद करके नया चैप्टर चालू करने की। यहाँ पे भी आपके लिए न्यू रोमांटिक साइकिल निकल के आया था, अब यहाँ आपके लिए द वर्ल्ड कार्ड निकल के आया है। तो जो नया चैप्टर आप अपनी लव लाइफ में लाना चाह रहे हैं, जो कि प्यारा हो और वो है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आने वाली आपकी लव स्टोरी, उस नए चैप्टर पे पहुंचने के लिए ये तो पहले इम्पॉर्टेंट है ना कि आप पुराना चैप्टर क्लोज करो। अगर आप वही पुराने पन्ने बार 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 पढ़ते रहेंगे तो आप अगले चैप्टर पर आ ही नहीं पाएंगे, राइट? इसीलिए आपको बोला जाए, और पास्ट में रखा क्या, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत कड़वा बोला हो, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक आपके मुंह पे बोल दिया हो कि हाँ जाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं तुमसे बात करनी, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को रेकन्साइल करने में, फिर भी आप पास लगा के बैठे हुए हैं। तो इस पॉइंट पे आपको अपने आप से ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप जानते बूझते अपने आप को ये तकलीफ क्यों दे रहे हैं ग्रुप वन, एंड स्पेशली आज की रीडिंग के बाद। तो जब आपको पता है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, जैसे कि मैंने आपको बोला, और भी बहुत सारे फ्यूचर स्पाउस वीडियोस मैंने बनाए हैं अलग अलग रिलेटेड टॉपिक्स पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसमें और डिटेल्स आपको अपने स्पाउस के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में पता चल सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप वो वीडियोस देखें ताकि उनसे आपको मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, मेरा फ्यूचर अच्छा है, तो मुझे अब अपने आप को ये तकलीफ बार 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 नहीं देनी है पास्ट वाले पर्सन की वजह से। क्योंकि ये जो नई रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में चालू होने की बहुत स्ट्रॉन्ग गुंजाइश है, उसके ठीक नीचे है टेन ऑफ वॉन्स। ये जो कैमल यहाँ पर है, ये इन स्टिक्स के बोझ के तले दबा जा रहा है, पसीने छूट रहे हैं उसके। इस कार्ड से हमें पता लग रहा है कि ये जो पास्ट का कनेक्शन है जिससे आपको हटने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, उसको शायद आप बहुत लंबे समय से ग्रुप वन एक बोझ के जैसे ढो रहे हैं, आपके सोल के ऊपर वो एक बर्डन के जैसे, एक एनर्जेटिक बर्डन के जैसे, उसको आप देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको आप फील ज़रूर कर पाते हैं। आपका मूड ठीक नहीं रहता है, हो सकता है आपकी हेल्थ बिगड़ रही हो, मन नहीं लगता आपका किसी चीज़ में, चिड़चिड़े से रहते हैं आप, ये सब कुछ उसी एनर्जेटिक बर्डन की वजह से। तो उस बर्डन को हटाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खुद ही को, मतलब आपको खुद ही वो जो बर्डन है, जो बोझ है, उसको अपनी पीठ से उतार के साइड में रखना होगा। वो काम आपका है, ये चॉइस आपको खुद लेनी होगी, ये डिसीजन आपको खुद लेना होगा। अब रहा सवाल टाइमिंग का, तो मैं बता दूँ, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है बहुत छोटी एज के हों अभी, तो कोई मैसेज, मतलब जो भी मैसेज है आपको अकॉर्डिंगली अपने ऊपर अप्लाई उसको करना है, और अगर नहीं रेजोनेट हो रहा तो वो मैसेज आप छोड़ भी सकते हैं। फिलहाल इस रीडिंग में, इस ग्रुप के लिए जो टाइमिंग निकल के आई है वो 10 मंथ्स की है। तो जब कभी भी आप ये वीडियो देखें, उस समय से लेके 10 महीने तक का एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड ओपन अप हो रहा है आपके लिए ग्रुप वन, जिसमें कि अगर आप कॉन्शियसली ये एफर्ट मारें पास्ट को पीछे छोड़ देने का, तो आपकी शादी मुमकिन है। अब देख लेते हैं कि पॉसिबली कौन से महीनों में आपकी शादी हो सकती है।
तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले ग्रुप वन वो है मई, फरवरी, जुलाई और जनवरी। ऑल राइट, तो या तो आपकी बिल्कुल ही विंटर वेडिंग हो सकती है जनवरी फरवरी के महीनों में, या फिर आपकी समर वेडिंग, या कुछ लोगों के लिए मॉनसून वेडिंग भी यहाँ पे निकल के आई है। ऑल राइट ग्रुप वन, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप टू, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज की थी तो सबसे पहले ओरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी। फ्यूचर स्पाउस रिलेटेड बाकी जो वीडियोस मैंने बनाए हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जो ओरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं पाम, जो कह रहा है डेस्टिनी, फिर है ब्रीथ, प्योरिफिकेशन, और योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड फर्स्ट क्वार्टर मून। ओके ग्रुप टू, जो भी आपकी सिचुएशन अभी आपकी लव लाइफ में चल रही है, हो सकता है कुछ ना ही चल रहा हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपका भरोसा धीरे धीरे करके उठने लगा है अपनी किस्मत से, अपने भगवान से, यूनिवर्स से। आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए कोई बना ही नहीं है, शायद मेरी शादी कभी होगी ही नहीं। ये मुमकिन है यहाँ पर प्योरिफिकेशन के साथ कि अब तक बहुत जगह आपकी बात चलाई गई है लेकिन कुछ बात बन नहीं पाती है, और शुरू शुरू में उस चीज़ से आपको बहुत तकलीफ होती थी। आपको समझ में नहीं आता था कि यार ऐसी क्या प्रॉब्लम है मुझ में, अच्छे खासे तो मैं हूँ, सब कुछ तो सही है मेरे पास, तो फिर क्यों नहीं मेरी कहीं शादी हो पा रही है, क्या बाधा क्या आ रही है, क्या दिक्कत है। लेकिन अब यहाँ पर नज़र आ रहा है ब्रीद के साथ कि आज अब आपने समझौता कर लिया हो अपने हालात के साथ कि अच्छा चलो शायद मेरी किस्मत में है ही नहीं कि शादी हो, इसीलिए शायद ना तो मुझे खुद से कोई मिल पाता है, ना कोई अरेंज मैरिज सेटअप में मेरे लिए कुछ सही निकल के आ पा रहा है, तो ठीक है शायद यही लिखा होगा मेरे लिए। आप बनते तो हो अपने आप को ऐसा बाहर सबके सामने, मतलब बाहर से बहुत शांति है कि अरे लगता है ग्रुप टू को तो सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप टू ने तो बोला है होगी होगी नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन अंदर ही अंदर एक हलचल है, अंदर ही अंदर एक परेशानी है, एक तकलीफ है जिससे आप गुजर रहे हैं लेकिन जिसके बारे में आप हर किसी से बात करना प्रेफर नहीं करते हैं। ग्रुप टू, यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है डेस्टिनी के साथ कि बहुत पहले कोई एक ऐसा कनेक्शन आपका रहा है, या तो वो फुल ऑन रिलेशनशिप थी, सिचुएशनशिप था, एक तरफा प्यार था आपका, जो भी था, कोई एक ऐसा इंसान है जिसने ऐसी छाप छोड़ी है अपनी आपके ऊपर कि उस इंसान के ख्याल या वो लेसन्स आप अभी तक कंप्लीटली शेक ऑफ नहीं कर पाए हैं। भले ही वो छोटे ड्यूरेशन का कनेक्शन क्यों ना रहा हो, भले ही वो प्रॉपर रिलेशनशिप तक क्यों ना रही हो, लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है ब्रीद और डेस्टिनी के साथ ही आज की डेट तक कभी कभी जब आप खाली बैठे होते हैं तो आपको उस इंसान का या उन दिनों का या फिर उस कनेक्शन का ख्याल आ ही जाता है। प्योरिफिकेशन यहाँ पर बता रहा है कि आप अपनी हीलिंग जर्नी के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस्ड हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको होना भी चाहिए, और हो सकता है कि बहुत हद तक एक जो कामनेस आप दर्शा पाते हैं बाकी लोगों के सामने वो आपकी हीलिंग जर्नी की वजह से ही मुमकिन हो पा रहा हो। लेकिन प्योरिफिकेशन यहाँ पर बता रहा है कि अभी भी शायद बहुत कुछ ऐसा है, दफन है कहीं आपके सबकॉन्शियस में, आपके दिल के डीपेस्ट डार्केस्ट कॉर्नर्स में, जिसका कि बाहर निकलना, साफ होना और हट जाना कंप्लीटली आपकी एनर्जी से बहुत बहुत ज़रूरी है। और उसमें से सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है ये पास्ट वाले पर्सन की छाप। अब मैं पास्ट पर्सन बोल रही हूँ, बट लाइक आई सेड, ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए कि ये कोई एक्स ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे रिलेटेड था भी नहीं, आपने किसी और की शायद ख़राब मैरिज देखी थी, या ग्रोइंग अप आपने अपने पेरेंट्स के बीच में बहुत कलेश देखा था, तो वो सारी चीज़ें आपके मन में, और आपको ये डर है कि यार कहीं मेरी मैरिड लाइफ भी ऐसी ना हो या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो। तो ये जो तमाम डर हैं, ट्रिगर्स हैं, फियर्स हैं, वरीज हैं, इन सबको अपने सिस्टम से हटाना इस समय आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
और ये जो कार्ड यहाँ पर आपके लिए निकल के आया है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। अब जो मैंने आपको बोला कि धीरे धीरे करके आपका विश्वास उठ रहा है और आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद आपकी किस्मत में शादी वादी है ही नहीं, आपकी सोच हमेशा से तो ऐसी थी नहीं। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि पहले आप बहुत रिलीजियस हुआ करते थे या बहुत स्पिरिचुअल हुआ करते थे, आपकी आपका अपने भगवान से या फिर यूनिवर्स से, जिस भी शक्ति में आप यकीन रखते हैं, उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन था। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी ज़िंदगी के हालात ऐसे होते चले गए, अलग अलग चीज़ें आपके साथ होती चली गई, तो कहीं ना कहीं आपका मन उचट गया इन सब चीज़ों से। और अब जो ये कार्ड निकला है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, तो स्पिरिट आपको सामने से बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी आपने गिव अप कर दिया मेरे ऊपर, इतनी जल्दी आपका भरोसा उठ गया मुझसे। तो वो आपको सांस लेने को बोल रहे हैं, चैन की सांस लेने को बोल रहे हैं, और वो आपको यकीन दिला रहे हैं आपके पहले ही कार्ड से कि आप ऐसे मत सोचो कि आपकी किस्मत में शादीवादी नहीं है या ट्रू लव एक्सपीरियंस करना नहीं है, बिकॉज आपकी डेस्टिनी में है कि आपकी मैरिज होगी। ये बस टाइम की बात है, सर्कमस्टांसेस की बात है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद आप इस समय अपनी ज़िंदगी के 29वें साल में हैं, और ये जो कोहराम आपके लव लाइफ में आया है, जब आप 18 साल की उम्र से के थे तब से ये सिलसिला चालू हुआ है। और अब क्योंकि 29 के बाद यहाँ पर प्योरिफिकेशन है, तो जब आपका 30वां साल लगेगा, जब कभी भी, उस वक्त से आपको खुद एनर्जेटिकली बिल्कुल रिलैक्स्ड फील होना चालू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने मेरे ऊपर से कोई बर्डन हल्का कर दिया। ओके, जो टैरो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं द लवर्स विथ नंबर 6, फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स थी, और बहुत बुरा झटका या धोखा कुछ आपको वहाँ से मिला था। फिर है 7 ऑफ वंड्स और एस ऑफ कप्स। आई लव दिस एनर्जी फॉर यू ग्रुप टू। एक प्रॉपर कहानी ही आपकी यहाँ पर मेरे सामने खुल के आ गई है। किसी को आप पसंद करते थे, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉपर रिलेशनशिप थी, कुछ लोगों के लिए शायद ये एक तरफा चीज़ थी, कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग बिहेव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जैसे करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज़ को ऑफिशियल करना ज़रूरी नहीं समझा था, और फिर एक झटके में ये कनेक्शन ख़त्म हो गया था। शायद उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया हो या फिर आपके ऊपर चीट किया हो, जो भी था बहुत बुरा था, आपको उस चीज़ का बहुत बुरा लगा। और ये जो टाइम पीरियड निकल के आया है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 10-11 ईयर्स हम कह सकते हैं, इतना समय आपको लग गया वापस से शांत होने में, या फिर उस इंसान को उस चीज़ को लेट गो करने में। और अब उसका नतीजा क्या हुआ, आपके जो बैरियर्स हैं वो बिल्डअप हो गए, आपने अपने चारों तरफ मान लो एक दीवार खड़ी कर ली। क्यों? क्योंकि आपको डर बैठ गया है कि कहीं फिर से इतने ही बुरे तरीके से कोई आपका दिल ना तोड़ दे, इसीलिए अब आप लव को चांस देना ही आपने बंद कर दिया। बोलते भलाई आप जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ब्लॉकेज है, ये एक दीवार आपने खुद ही खड़ी कर रखी है। आपका जो हार्ट चक्रा है वो इस समय ब्लॉक्ड है ग्रुप टू। इनफैक्ट मैं सीरियसली रिकमेंड करूंगी कि आपको वर्क करना चाहिए अपने हार्ट चक्र के ऊपर। आप तो इनफैक्ट चाहे तो सोने से पहले यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं हार्ट चक्र हीलिंग मेडिटेटिव म्यूजिक, या हार्ट चक्र ओपनिंग मेडिटेटिव म्यूजिक, और वो जो भी ऑडियोज आते हैं उनको आप थोड़ी देर सुना करें, सुबह भी थोड़ी देर, रात में एकांत में शांति में। उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, आपको पावर मिलेगी टू गिव लव अनदर चांस ग्रुप टू। और ये जो बैरियर्स आपने अपने बना रखे हैं, ये जो भी आपके आप ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, या जो भी मतलब अलग अलग लोगों के मन में दिल में हो सकता है अलग अलग तरीके की अड़चने पैदा हो गई हो, जो भी है उसी को निकालना, उसी का डिटॉक्स होना, उसी चीज़ को प्योरीफाई करना आपके लिए क्रूशल है, वही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और अब आपका सवाल हो सकता है कि लेकिन मैं क्यों ये दीवारें गिरा दूं, क्या गारंटी है कि उसके बाद फिर से मेरा दिल नहीं टूटेगा? गारंटी है कि नहीं टूटेगा, क्योंकि 7 ऑफ वंड्स के ठीक बाद यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। पहली चीज़ तो ये एक नई एनर्जी है, इट्स एन एस, ठीक है? तो इन केस आपको ऐसा मतलब लगता रहता है, या कहीं ना कहीं अगर ये कोई उम्मीद आपने जगा रखी है कि पास वाले पर्सन को अकल आ जाएगी, वो वापस आ जाएगा, तो ऐसा होने नहीं वाला, और वो ना ही आए तो बेहतर है, जो हाल उन्होंने आपका पहले किया था।
ये जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ये इंडिकेट कर रही है एक नया लव ऑफर, एंड दिस इज ट्रू लव। ये है वो लव जो आप डिजर्व करते हो, जो आपका लाइफ टाइम भर रहेगा। लेकिन ये कहाँ है? ये उस दीवार के पार है। तो इस दीवार का आपको तोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी हेजिटेशन, फियर्स, ब्लॉकेजेस, इश्यूज आपने अभी आपके अंदर चल रहे हैं, उन सब के ऊपर वर्क करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर उसके लिए आपको थेरेपी लेनी है, आप थेरेपी लीजिए। किसी से बात करनी है, आप वो करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं खुद ही आई कैन हेल्प माई सेल्फ आउट विद दिस, मैं खुद ही अपनी हीलिंग पर काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप वो करो। जो भी मेथड आपको अपनाना हो आप अपनाओ, लेकिन इस चीज़ के ऊपर वर्क करना इस समय आपके लिए बहुत बहुत क्रूशल है। अब अगर हम टाइमिंग की बात करें, हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि पॉसिबली कौन से महीनों में आपकी शादी हो सकती है, तो स्टिक अराउंड। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो आपकी इस समय जो भी एज है उसके अकॉर्डिंग आपको ये मैसेज लेना है या नहीं लेना है, आपकी मतलब टेक व्हाट रेजोनेट्स लीव द रेस्ट जो कहते हैं। फिलहाल आज इस रीडिंग में इस ग्रुप के लिए जो टाइमिंग निकल के आई है वो है 12 मंथ्स की। एक साल का टाइम यहाँ पर निकल के आया है कि आने वाले एक साल में, जब से आप ये रीडिंग देखेंगे तब से एक साल के अंतराल में ही आपकी शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि वो लव मैरिज ही हो। ओके, अब देख लेते हैं कि कौन से महीनों में आपकी शादी हो सकती है ग्रुप टू। सो वी हैव नवंबर, सितंबर, जून और दिसंबर। तो विंटर वेडिंग हो सकती है आपकी, ऑटम वेडिंग, कुछ लोगों की समर वेडिंग भी हो सकती है। ऑलराइट ग्रुप टू, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप थ्री, अगर आप लोग ने थर्ड ग्रुप चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी। फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड मैंने और भी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हैं, उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जो ओरेकल्स आपके लिए निकले ग्रुप थ्री वो है कॉइंस, जो कह रहा है गुड लक विथ नंबर 10। फिर है हायर पावर विथ नंबर 4। हो सकता है आपको रिपीटिंग फोर्स बहुत दिखता रहता हो, या फिर आपको 1010 दिखते रहता हो। फिर है इनर पीस और प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का साइन टॉरस हो, या फिर आपकी चार्ट में टॉरस मौजूद हो ग्रुप थ्री। ओके, अब यहाँ पर हायर पावर निकल के आया है, गुड लक निकल के आया है। आई थिंक ग्रुप थ्री उन लोगों का ग्रुप है जो बेचारे बड़ी रीडिंग्स लेते रहते हैं कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, लेकिन इनको अक्सर यही बोला जाता है कि सब्र करो, डिवाइन टाइमिंग में होगा जो होगा। अब आपके ग्रुप में मुझे इतना तो क्लियरली दिख रहा है ग्रुप थ्री हायर पावर के साथ कि जो आपका यूनियन होने वाला है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस के बाद, जो बाय द वे आई स्ट्रॉन्गली फील 5D लेवल में ऑलरेडी हो चुका है, और इसका एक कॉन्फर्मेशन ये होगा कि अगर अभी से कुछ समय पहले तक आप अपनी शादी को लेके बड़ा चिंतित रहते थे कि हाय पता नहीं कब होगी, होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, अब आपको डर नहीं लगता है, एक अजीब सी शांति अब आप महसूस करते हैं। अगर इनफैक्ट आपके आसपास भी कोई इस टॉपिक पर बात कर रहा हो, जितना उत्तेजित आप पहले हो जाते थे उतना आप नहीं होते हैं। ये सब साइंस हैं कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस का यूनियन 5D लेवल में ऑलरेडी हो चुका है, आपके सोल्स 5D लेवल में ऑलरेडी मिल चुके हैं। ओके, और अब रहा 3D में मिलने का सवाल, ये जो दुनिया हमारे सामने है इसमें मिलने का सवाल, तो आप लोगों के यूनियन को डिवाइन फोर्सेस ओवरलुक कर रही हैं, और बड़े ही खूबसूरत लेकिन आकस्मिक तरीके से आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ मुलाकात हो सकती है। इनफैक्ट जिस दिन या जिन परिस्थिति में आप दोनों की मुलाकात हो, कोई बाद में अगर वो कहानी सुने तो उन्हें ऐसा लगे कि अरे यार ये तो बिल्कुल किस्मत से मिल गए तुम दोनों, किस्मत ही तुम्हारी जो तुम दोनों उस दिन वहाँ इस तरीके से मिल गए, तुम्हारे रास्ते टकरा गए। बट द फैक्ट इज़ कि हायर पावर्स गवर्न कर रही थी उस पूरी चीज़ को। आजकल आपकी किस्मत आपका बहुत साथ दे रही है ग्रुप थ्री, तो नेचुरली आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपके मिलन में भी आपकी किस्मत आपका साथ देगी। स्पिरिट आपको, आप आए तो हो यहाँ पर
फ्यूचर स्पाउस रीडिंग सुनने के लिए, बट एक एक्स्ट्रा मैसेज जो इस ग्रुप के लिए निकल के आया है वो ये है कि अगर आप फिलहाल अपने फाइनेंसेस को लेके या फिर अपने करियर को लेके बहुत परेशान चल रहे हैं, तो स्पिरिट आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके आने वाला टाइम जो है, आपका जो आने वाला टाइम है वो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी आमदनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आगे आप और धन कमाने वाले हैं और तरक्की आपको मिलने वाली है आपकी नौकरी में या फिर आपके बिजनेस में। और इससे एक और मैसेज जो हमें मिल रहा है वो ये है कि आपकी जो मैरिज है वो इन इट सेल्फ आपके लिए पैसों वाइज बहुत लकी साबित होगी। मतलब आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आपके जो पैसे हैं, उन सब में इंक्रीज होगा आपकी शादी हो जाने के बाद, और वो आपके फ्यूचर स्पाउस की वजह से हो सकता है। तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस कोई ऐसे इंसान हो जो या तो खुद बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, या वो जनरेशनली बहुत वेल्दी फैमिली को बिलोंग करते हैं, या फिर आप और आपके स्पाउस मिलके बहुत प्रॉपर्टी खड़ी करेंगे। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। इनफैक्ट ग्रुप थ्री मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप लोगों का ध्यान आजकल खुद भी अपने करियर और पैसों की ओर ज़्यादा है, और ऐसा लग रहा है मानो आपने, मतलब आपने खुद को समझा लिया है, खुद को शांत कर लिया है कि अरे ठीक है, जब होनी होगी होगी, उस माइंडसेट में आप लोग अब आ चुके हो। तो उतना परेशानी अब आपको नहीं होती है इस टॉपिक को लेके जितनी शायद पहले होती थी। एक और मैसेज जो यहाँ पर निकल के आ रहा है इनर पीस के साथ वो ये है ग्रुप थ्री कि अगर इससे पहले भी आप रिलेशनशिप्स में रहे हैं या फिर सिचुएशनशिप्स में रहे हैं, या कोई इंसान आपको पसंद था भी, आपने शायद कभी भी सुकून एक्सपीरियंस नहीं किया उन रिलेशनशिप्स में जिस तरीके का सुकून आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जब आप रहेंगे, जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि उन मोमेंट्स के लिए या उस दौरान आपकी लाइफ की सारी टेंशन छूमंतर हो गई है, सारे प्रॉब्लम्स पता नहीं कहाँ गायब हो गए, सब चले गए, कुछ और आपको समझ में नहीं आया करेगा, बहुत रिलैक्स्ड आप महसूस किया करेंगे। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं और फिर हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि कौन से महीनों में आपकी शादी हो सकती है। तो जो टैरो कार्ड्स आपके लिए निकले ग्रुप थ्री वो है डेथ, फिर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो पहली चीज़ तो ये कि इस समय आप लोग बिल्कुल करेक्ट पाथ पर हो। आप अभी जो भी कर रहे हो अपनी पर्सनल गोल्स के लिए या फिर अपने प्रोफेशनल गोल्स के लिए वो बिल्कुल सही है और आपको उसी रास्ते पर कंटिन्यू करना है, वही सब चीज़ें आपको आगे भी जारी रखनी है। डेथ यहाँ पर बता रहा है कि बहुत बहुत जल्दी जल्दी और बहुत सारे चेंजेस आजकल आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो शायद आप खुद भी ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस करते होंगे। कभी कभी आपको एनर्जेटिक लेवल पर ये फीलिंग आती होगी कि बहुत चेंजेस आ रहे हैं, कभी कभी आपको आपकी फिजिकल रियलिटी में देखने को मिलते होंगे बहुत सारे चेंजेस, घर चेंज करना पड़ रहा है या जॉब चेंज हो रही है, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन इन चेंजेस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं एनर्जेटिक लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, ये सब कुछ आपके आपको सही रास्ते पर या आपके लिए जो बेस्ट रास्ता है वहाँ तक ले जाने के लिए ही हो रहे हैं, सो दैट इज़ गुड। डेथ मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है ग्रुप थ्री कि आप लोगों ने अपने खुद के ऊपर, अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, अपनी हीलिंग जर्नी के ऊपर बहुत बहुत काम किया है और शायद बहुत लंबे समय से आप करते चले आ रहे हैं, उस चीज को भी आपको ऑफ कोर्स कंटिन्यू करना है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है द स्टार के साथ कि ज्यादा टाइम रह नहीं गया है वैसे ग्रुप थ्री आपके स्पाउस का आपकी लाइफ में आने में, क्योंकि वो चीज अचानक से होनी तो चलो वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो अचानक है ये भी बड़ा जल्दी आते हुए यहाँ पर दिख रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्रैवलिंग के दौरान आपकी मुलाकात हो जाए एकदम से इस इंसान से, ये भी मुमकिन है यहाँ पर स्टार कार्ड के साथ कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े पॉपुलर हों। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो सेलिब्रिटी होंगे या नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ तो नहीं आपकी रीडिंग में निकल के आया है, लेकिन हाँ उनका जो भी कम्युनिटी है, जो भी सोशल सर्कल है, उसमें ये इंसान हो सकता है काफ़ी चर्चित रहते हों। अब अगर हम, अच्छा एक और चीज़, ये जो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है ग्रुप थ्री, ये हमें बता रही है कि अगर इससे पहले आप जिन भी रिलेशनशिप्स या कनेक्शंस में रहे हैं, आपकी शिकायत ये रहा करती थी कि यार मैं ही ज़्यादा एफर्ट डालता हूँ या मैं ही सब कुछ करती रहती हूँ, वो तो कुछ करता नहीं है, वो तो कुछ करती नहीं है, तो ये शिकायत आपकी आपके स्पाउस दूर करेंगे। बिकॉज ये जो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये रेसिप्रोसिटी दर्शा रही है, ये बैलेंस दर्शा रही है।
तो जितना एफर्ट, टाइम, अटेंशन, एनर्जी आप डालेंगे अपनी मैरिज में, उतना ही आपका स्पाउस भी डालेगा, उतना ही एफर्ट वो भी डालेगा। जितनी इज्जत आप उनकी करेंगे, उतनी ही इज्जत पलट के वो भी आपकी करेंगे। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में ये मैसेज भी हमें दे रहा है अगेन कि मैरिज के बाद आपके फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट होगा। अब अगर हम टाइमिंग की बात करें, तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं एज में काफ़ी छोटे हों, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। बट फिलहाल यहाँ पर 6 महीने का टाइमिंग निकल के आया है, विच इज़ सुपर सून एंड मेक सेंस, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी आपके लिए निकल के आया था, जो कि बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं ग्रुप थ्री की आने वाले 6 महीनों में ही चट मंगनी पट ब्याह टाइप्स आप लोगों का हो जाए। ये भी मुमकिन है कि आने वाले 6 महीनों में आपका स्पाउस आपकी लाइफ में आए और फिर 2026 में आपकी उनसे शादी हो। तो ये दो मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी शादी कौन से महीनों में हो सकती है ग्रुप थ्री। सो वी हैव अप्रैल, मार्च, अगस्त और अक्टूबर। ऑलराइट, तो इन 4 महीनों में आपकी शादी होने के चांसेस हैं ग्रुप थ्री। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।